हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सभी आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बच्चों की स्पेशल फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ, चॉकलेट, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसे आज मैं आपको घर में आसानी से बनाना बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। होममेड चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो तरीके के चॉकलेट लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, साथ ही मैंने लिया है व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट। ये चॉकलेट आपको किसी भी फूड मार्ट पे आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन्हें कट करके पैकेट से बाहर निकाल लूँगी और हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्हें छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने जितना डार्क चॉकलेट लिया है उसका आधा मैंने यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट लिया है। तो चलिए फिर इन्हें हम मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा बाउल पानी निकाल लिया है। हम इसे डबल बॉयलर मेल्ट करेंगे, आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। 160 डिग्री टेम्परेचर में सिर्फ एक मिनट के लिए आप माइक्रोवेव में रख दें, वो बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पानी को बॉयल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी में उबाल आ गया है। अब हम अपने चॉकलेट के बाउल को इसमें रख देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अपना व्हाइट चॉकलेट भी और इसे मीडियम आंच पे हम मेल्ट करना शुरू करेंगे। आप इसे किसी कपड़े से पकड़ लें या किसी पकड़न से पकड़ें ताकि ये गिरे ना, और चम्मच की हेल्प से आप इसे मिक्स करें। ये देखिए इस तरीके से। डबल बॉयलर में आप जब भी बॉयल कर रहे हो, जिस भगोने में आपने पानी रखा है, ध्यान रखिए कि वो बाउल चॉकलेट के बाउल से छोटा होना चाहिए, ताकि चॉकलेट का बाउल उस पर अटक जाए। अगर वो अंदर चला जाएगा तो चॉकलेट जल सकता है। हमें इसे एक लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। अगर आप इसे एक लगातार नहीं चलाएंगे तो चॉकलेट हमारा जल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, जैसा हमें चाहिए, एकदम परफेक्ट वैसी मेल्ट हुई है। तो हम गैस को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और चॉकलेट को साइड में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चॉकलेट रेडी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए काजू और बारीक कटी हुई किशमिश। किशमिश को भी मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट्स को चॉकलेट में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इनकी जगह पे अपनी मनपसंद कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता या अखरोट, उन्हें भी आप बारीक कट करके डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चॉकलेट का बैटर एकदम तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मोल्ड, ये चॉकलेट मोल्ड है। आपके पास जिस डिज़ाइन का भी मोल्ड अवेलेबल हो आप उसे यूज़ करें। अब हम एक स्पून की हेल्प से चॉकलेट को चॉकलेट मोल्ड में फिल करेंगे, इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चॉकलेट मोल्ड को अच्छे से फिल कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा चॉकलेट बाहर रह गई है, इसे हम किसी स्पून के हेल्प से या टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। अब हम अपने चॉकलेट मोल्ड को फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो 20 से 25 मिनट के लिए रखें, ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो मैं यहाँ पर इसे फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रखूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, हमारा चॉकलेट कितने अच्छे से जम गया है। अब हम इसे एक एक करके मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और जो चॉकलेट में एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी रहती है उसे हम अलग कर देंगे इस तरीके से।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे चॉकलेट को मोल्ड से निकाल लिया है। अब जो हमारे पास बैटर बच गया है उसे हम फिर से इसी तरीके से करेंगे, मोल्ड में डालेंगे और फ्रीजर में रख देंगे 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने सारे चॉकलेट्स बना लिए हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये चॉकलेट की रेसिपी? आई होप कि आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई हो, आपके बच्चों को ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस चॉकलेट की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।